हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द टेंट टू ट्रैवल व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, BDS MDS इन प्रोस्टेटोनिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ल्यूकोप्लेकिया के बारे में। ल्यूकोप्लेकिया का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रिवेंशन होता है। ल्यूकोप्लेकिया है क्या चीज? ल्यूकोप्लेकिया एक प्री कैंसरस कंडीशन है, एक थिक व्हाइट पैच, मतलब कि एक सफेद धब्बा हमारे गलफे पे, हमारे जबान पे, हमारे मसूड़ों पे और लिप्स पे पाया जाता है। ओरल ल्यूकोप्लेकिया को स्मोकर केराटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकोप्लेकिया पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन कहीं आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए। कि जो ल्यूकोप्लेकिया है वो मिडिल एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादातर पाया गया है। 30 अबव जो लोग होते हैं, मेल और फीमेल, उनमें ज्यादातर पाया गया। सबसे ज्यादा मेल में चांसेस होते हैं ल्यूकोप्लेकिया बनने के एज कंपेरिजन टू फीमेल। जानते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओरल ल्यूकोप्लेकिया हमारे माउथ में बन जाता है, मतलब कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। ज्यादा तंबाकू खाना, ज्यादा अल्कोहल पीना और ज्यादा स्मोकिंग करना, अगर करते हैं तो दिक्कत तो आएगी आएगी। अगर आप बीटल नट या एरिका नट चबाते हैं, मतलब कि पान में सुपारी उपारी जो होता है, अगर आप ये चबाते हैं तो दिक्कत। HIV के पेशेंट में या एड्स के पेशेंट में ओरल ल्यूकोप्लेकिया अक्सर बन जाता है, क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। कैंसर के पेशेंट में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत बन सकती है। क्या ओरल ल्यूकोप्लेकिया की? अगर आपका मुंह बहुत ज़्यादा गंदा है, पुअर ओरल हाइजीन है, तो अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो मुंह बहुत ज़्यादा जलता है, उसकी वजह से भी आपको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर घिस गए हैं या शार्प एजेस हैं, वो क्या होता है, बार बार आपके गलफे पे रगड़ खाता है या जबान पे रगड़ खाता है, उसकी वजह से भी ल्यूकोप्लेकिया बन जाता है। अगर आपके मसूड़े में डिजीज है या इन्फ्लामेशन है या फिर गंदा इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से आपके मसूड़े काफ़ी ज़्यादा फूल गए हैं, मसूड़े से खून आ रहा है, तो मान के चलिए आपको ओरल ल्यूकोप्लेकिया तो बन सकता है। ओरल ल्यूकोप्लेकिया का एक और टाइप होता है जिसे कहते हैं ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। जी हाँ, ये एक वायरस एप्स्टीन बार वायरस से हो जाता है। एप्स्टीन बार वायरस हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट लाइफ रहता है। जो HIV के या एड्स के पेशेंट रहते हैं उनमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। जो ल्यूकोप्लेकिया बनता है वो ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया बनता है। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया ये एक थिक हेरी पैच होता है, जैसे सफ़ेद रंग का धब्बा पड़ जाता है, बस इसमें क्या होता है, बाल जैसा हेरी टाइप का जो होता है पैच पड़ जाता है। ये ज़्यादातर आपके टंग पर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके टंग पर हो, आपके ओरल कैविटी में कहीं पर भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, चाहे गल्फा हो गया, मसूड़े हो गए, लिप्स में भी हो सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया है वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ओरल हेवी ल्यूकोप्लेकिया है तो डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाइए जरूर। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको ओरल ल्यूकोप्लेकिया है या आपको डाउट होता है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटिस्ट क्या करता है, सबसे पहले आपकी ओरल कैविटी को एग्जामिन करेगा, फिर जो वाइट पैच है उसको वाइप ऑफ करने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो आपका मेडिकल हिस्ट्री पूरा पूछेगा, डिटेल में पूछेगा, कोई आप मेडिसिन तो नहीं ले रही हैं, आपको BP, शुगर, थायराइड ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, या अगर डॉक्टर को लगता है कि आपका टेस्ट करवाना चाहिए तो इसमें दो तरीके के टेस्ट लिखे जाते हैं। पहला होता है ओरल ब्रश बायोप्सी होता है और दूसरा होता है एक्सीजनल बायोप्सी होता है। ओरल ब्रश बायोप्सी में क्या होता है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट पैच जो होता है उसके
ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हटा देते हैं एक स्मॉल स्पिनिंग ब्रश की मदद से। लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है काफी नॉन इन्वेजिव होता है और इस टेस्ट पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एक्सीजनल बायोप्सी। ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। मान के चलिए आपके माउथ में एक छोटा सा व्हाइट पैच हो गया है, वो डॉक्टर क्या करता है वो व्हाइट पैच को काट के हटा देता है और लैब में भेज देता है और लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी होती है और फिर वो रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट में आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डिटेक्ट होता है या कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए छोटा सा पार्ट है तो डॉक्टर ने ऑलरेडी उसको कट करके भेज दिया है तो फर्दर ट्रीटमेंट कराने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके व्हाइट पैच बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो अलग अलग जगहों पे होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओरल सर्जन की मदद से बहुत सारे ऐसे मेथड्स आते हैं जिसकी वजह से आपका जो व्हाइट पैच है उसको जो है सर्जिकली रिमूव करके हटा दिया जाता है। अगर हम सर्जरी की बात करें तो एक तो नॉर्मल है कि रिमूव करके हटा देते हैं काट करके, दूसरा ट्रीटमेंट होता है लेजर ट्रीटमेंट, उससे भी हम क्या करते हैं जो लीजन होता है उसको काट के हटा देते हैं, तीसरा होता है फोटोडायनेमिक थेरेपी होती है, चौथा होता है क्रायो सर्जरी होती है और आखिरी में होता है इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन। ये तो बात हो गई सर्जरी की, अब मैं बात करता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट की। मान के चलिए आपके माउथ में छोटा सा वाइट पैच हो गया है और आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन मैं खा लूँ जिसकी वजह से ये वाइट पैच चला जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं मार्केट में आती हैं जिसको खाने पे कुछ हद तक ये दवाइयाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जिसकी मदद से जो वाइट पैच है वो काफ़ी हद तक चला जाता है। अगर वाइट पैच ये दवाई खाने के बाद भी नहीं जाता है तो फिर आखिरी में चारा क्या है? सर्जरी। अगर आप तम्बाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, कुछ भी अंडसंड कुछ भी खाते हैं और सारे गुण संपन्न हैं तो ये सब चीज़ें आपको रोकनी पड़ेगी अगर आपको ठीक होना है तो। खाने में फलों का सेवन ज़्यादा करिए और हरी सब्जी ज़्यादा खाइए। सबसे पहले मैं बात करूं बीटा कैरोटीन, ये एक दवाई है, ये ज़्यादातर अगर खाने की बात करें तो नेचुरल फॉर्म में पालक में, कैरेट में, स्वीट पोटैटो में, मैंगो और ऑरेंज में पाया जाता है। ये क्या करता है जो वाइट पैच आपके प्रेजेंट होता है ना उसको हटा देता है। दूसरी दवाई आती है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो होता है ज़्यादातर टमाटर में पाया जाता है। टमाटर आप अगर वाइट पैच आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप दिन भर में दो टमाटर लीजिए, अगर वाइट पैच ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा है तो एक टमाटर से भी काम चल सकता है। टमाटर आप कच्चा खाइए या सूप बना के पीजिए। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं लाइकोपीन के, आप वो सप्लीमेंट भी साथ में ले सकते हैं डॉक्टर को पूछने के बाद। तीसरी दवाई होती है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब कि विटामिन सी। ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट में पाया गया है। कौन कौन से सिट्रस फ्रूट होते हैं? जैसे कीवी, पपीता, मैंगो और स्ट्रॉबेरीज में पाया गया है। चौथी दवाई आती है विटामिन ई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेल में 10 मिलीग्राम पर डे रिकमेंडेड है और फीमेल में 8 मिलीग्राम पर डे रिकमेंडेड है। मेडिसिन होती है विटामिन ए, ये आप टॉपिकली अप्लाई भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। आखिरी दवाई आती है ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन होती क्या है? ये एक साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है। ब्लियोमाइसिन टॉपिकली आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादातर 0.5% पर डे 12 से 14 दिन तक आप लीजिए, या फिर ज़्यादा है तो 1% पर डे आपको 15 दिन तक लेना। अगर हम बात करें ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया की, ये ज़्यादातर HIV या एड्स के पेशेंट में होता है क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम जो होता है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? जो ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया है वो एपस्टीन बार वायरस की वजह से हो जाता है, तो एंटी वायरस मेडिसिन आप दीजिए जिससे कि जो एपस्टीन बार वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा और आपका ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया ठीक हो जाएगा। आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब आप डॉक्टर के पास पहली बार जाते हैं अपने ल्यूकोप्लेकिया की बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे क्या क्या चीजें पूछता है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपने ओरल कैविटी में जो ये चेंजेस आप देख रहे हैं ये किसको हुए, कितना समय हो गया है। दूसरा,
क्या इसमें पेन होता है या ब्लीडिंग होती है? तीसरा, आप क्या स्मोक करते हैं? चौथा, क्या आप तंबाकू खाते हैं? पांचवा, क्या आप ड्रिंक करते हैं? छठा पॉइंट, खाना खाने में जब आप खाने को निगलते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है? और ये भी पूछ सकता है कि आपकी जबान पे या आपके लिप्स पे नमनेस तो नहीं फील हो रहा है? एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बोलता है कि बायोप्सी करवानी है, टेस्ट करवाना है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पता लगा घबराने की वजह से आपने टेस्ट ही नहीं करवा रहे। जब आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो चीज़ें कैसे पता लगेंगी और चीज़ें कैसे ठीक होंगी? अगर आपने गलती की है तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने पान मसाला गुटखा खाया है भर भर के तो उसका कुछ परिणाम तो होगा ही ना। तो चीज़ें अगर चीज़ें बिगड़ गई हैं, उसके लिए कुछ टेस्ट हो रहा है तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। टेस्ट होगा, बीमारी अगर निकलेगी तो उसका इलाज भी है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। सबसे पहली बात, मैं फिर से यही बात दोहराना चाहता हूँ, पान मसाला गुटखा अल्कोहल बीड़ी सिगरेट जो भी है सब बंद कर दीजिए, तभी कुछ सुधार हो सकता है। रूटीन चेकअप, अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपनी ओरल कैविटी का रूटीन चेकअप जरूर करवाइए। अगर आपका ओरल कैविटी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, अगर पुअर ओरल हाइजीन है, तो डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों की सफाई करवाइए हर 6 से 7 महीने में। अगर ऐसा नहीं करवाएंगे तो बीमारी आपकी सही नहीं होगी। अगर आप डेंचर पहनते हैं, निकालने बैठाने वाला जो प्लेट होता है वो अगर आप पहनते हैं, तो उसकी सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको निकालिए, रोज़ धुलिए और फिर पहन लीजिए। सोते समय उसको निकाल के पानी में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक बार पहना दिया तो ज़िंदगी भर उसको पहने रहते हैं, ना निकालते हैं ना कुछ करते हैं, उसमें खाना फंसा रहता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और ल्यूकोप्लेकिया की जैसी बीमारी हो जाती है। अगर आपके दांतों पे तार लगा है, ब्रेसेस लगे हैं और डेंचर पहनते हैं और वो बार बार आपकी फिटिंग सही से नहीं हुई है, चुभता है कहीं ना कहीं गलफे पे मसूड़े पे, तो बार बार रगड़न की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से भी जो है आपको ल्यूकोप्लेकिया बन सकता है। अगर आपके दांत काफ़ी ज़्यादा अनइवन हैं, आगे पीछे हैं, तो उसको करेक्ट करवा लीजिए। अगर शार्प एजेस हैं तो उसको राउंड अप करवा। और आखिरी बात, अगर आप खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए ध्यान देना, न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी की वजह से भी ल्यूकोप्लेकिया बन जाता है। तो आराम से फल फ्रूट सब्जियां सब खाइए, कमी किस चीज़ की है। होप सो आपका ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बिना किए मत जाइएगा, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री का है, लाल बटन नीचे दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए, किसी भी तरीके के पैर से हाथ से सर फोड़ करके किसी भी तरीके से वो लाल बटन बस दब जाना चाहिए। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बना के रखिए और मैं आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।